लाइक ऑलवेज मैं और मायशा सबसे आगे चल रहे थे एंड चौड़ में चल रही थी कि भाई जीते हैं एक बार फिर से। फालतू में खुद को शेर थोड़ी बोलता हूँ, धाड़ूंगा भी और भी। नहीं जिनल के पीछे मुझे हैप्पीनेस दिख रही थी कि मैं जीत रहा था। मैं ये बहुत हैप्पी थी, ये सब हैप्पी थे, ये सब हैप्पी पीपल है यार, ये सब मेरे हैप्पी पीपल है। तो हाँ इन सब मैं इन सबके फेस दिख रहा था मुझको और बहुत लोग का देखा मैंने कि वो खुश नहीं हो रहे थे मतलब देख के। मार तो खा रहा था, अरे यार मार खाने से बस कर दी की पपिया ले दी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, आशीष सबका हीरो बन गया था, ही किल्ड इट एब्सोल्युटली। बहुत लोग बोल रहे थे कि चोज़न वंस कुछ करते नहीं है तो बैठते हैं, इसलिए बैठते हैं क्योंकि एक बार खेलते हैं तो ऐसे खेलते हैं। अल्फेज अगर उस टाइम पे ना करता गिव अप तो शायद आज टास्क हम जीत जाते। ठीक है यार उसको लगी भी थी हाँ, और वो सब और पता है उसको खुद लगी थी, वो तब नहीं रोया था, तेरे को लगी थी उस क्राइम। अल्फेज तो मेरी जान है, मेरी जान। अर्शिया? अर्शिया मेरी दूसरी जान है। मैं इतनी जान नहीं है। ओके बाय। जो भी मैं पीयूष के लिए फील करती थी, जो मैं उसे लाइक करती थी, आई थिंक इस एक चैलेंज के बाद वो सब और बढ़ चुका था, मेरे इमोशंस बढ़ चुके थे। आई डोंट नो समहाउ मैं उसे थोड़ा और कनेक्टेड फील कर पा रही थी। चलो डोम में चलते हैं आज फिर से अनसेफ जोन में। ओके हाँ वहीं करते हैं बिलोंग हमेशा। ठीक है। This is MTV Splitsvilla 12th. ये है आपका अगला डोम सेशन। Wow, good to see you guys here. The chosen ones, let's see your bracelets. Oh, oh so beautiful. Still the chosen ones. अर्थवेज हमेशा मुझे टॉन मारते थे। Not for too long, not for too long. I think I'm going to stay here for quite some time. Okay. Sunny and I believe in love. अगर आपको अपनी आंख बंद करके एक अंदाजा लगाना हो कि यार इन सब में से अगर मेरा कोई आइडल मैच है तो कौन है, चाहे उसका कोई और कनेक्शन हो या ना हो, वो एक नाम सोच लो। आंखें बंद करो और सोच लो, थिंक हार्ड। कुछ लड़कियां तो शर्मा भी रही हैं। ऑलराइट कैन वी हैव द क्यू कार्ड्स प्लीज। ऑलराइट ओपन योर आईज, राइट दैट नेम ऑन द क्यू कार्ड। प्रियांबदा, यू आर हैविंग फन टुडे, मजे आ गया। क्यों? आई डोंट नो इफ आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट। इट्स ओके प्री, इवन आई नो। या यू नो इट्स नॉट द वन यू थिंक आई नो, इट्स द वन दैट यू थिंक आई डोंट नो। सो मेरे को मैं पूछ के आता हूँ। ओके आई वांट टू नो कि ये चोजन वंस कितने चोजन वंस हैं। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। वाओ इज इट दैट ऑब्वियस, ओह गॉड। ओके प्रियांदा, कौन है तू? Yeah, it's Shreya. We have won. I said it. Ah.
I'm sorry, Gina. क्या है जी? It's just something that you feel, Gina. Yeah, but she's नहीं मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मुझे नहीं बताया था उसने. बताया तो मैंने किसी को नहीं था. नहीं but obviously मुझे तो पता होना चाहिए ना जिससे उनको पता चला. हाँ तो तुम्हारे एंटीना इतने तगड़े नहीं है उसमें हमारी क्या गलती है? How does it feel? Another woman has your name on her cue card. इतना मैंने कभी देखा नहीं लोगों को ब्लश करते हुए. I'm not blushing. जी ना. मेरे क्यू कार्ड. आपके क्यू कार्ड में किसका नाम है? श्रेय. श्रेय. ओह वाव स्वीट. श्रेय. Are you saying? What just happened? What just happened? This is amazing. देखा दिल की बात निकालने को बोल रहा था मैं इसलिए सनी. What's going on? It's cute. It's cute. It's so cute. पहले ये बता जब उसने तेरा नाम बोला प्रियंबदा ने पहले तो कैसा लगा था? मैं फर्स्ट डे यहाँ पे आया था. आई मेट जीनियर एंड जब से हम साथ में हैं एंड एक्चुअली मैं कनेक्शन बना था. वी लाइक ईच अदर सब चीज़ें हैं बट ऑल्सो एट द सेम टाइम एक जब प्रियंबदा से बातें भी की थी आपने बोला कि मे बी यहाँ नहीं अगर बाहर मिलता मैं कभी किसी से तो वही एक और जो वाइब बनती तो वो सोच के मैंने लिखा. तो ऑलरेडी तेरे संगीत के लिए तैयार है दोनों. चलो इट डजंट चेंज एनीथिंग गाइस. ये तो नो फॉर मी इट्स लाइक उसने भी मुझे नहीं बताया तो ऑब्वियसली समवेयर तो इट हर्ट्स. सो इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट बिकॉज एक्चुअली जेन्युइनली कनेक्शन बना एंड आई रियली लाइक हर. सो यू शुड हैव टोल्ड सो बट कुछ कुछ चीजें हो पाती नहीं होती सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी इसलिए मैं. I was too scared to lose both of them. तो मैं तो कभी नहीं बताती. इसीलिए मैंने करवाए. Sir, can I say something? Yes, you may. I'm being very fair right now. कल रात तक भी दोनों रात में बैठ के बेड पे पूरे दिन बातचीत करते हैं. They do cuddle. They do all of that lovey-dovey stuff. ये तो गेम प्लान हो गया सर. यहाँ तो बिल्कुल ही आप मुझे बोलते हो आई एम फ्लिपिंग बट आई थिंक यू आर फ्लिपिंग द पर्सन हु यू लाइक द मोस्ट एंड ही क्राइड फॉर हर. तो ऐसे रोना वगैरह तो नहीं चाहिए था मेरे लिए बट भव्या रिसेंटली द थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग बिटवीन द बोथ ऑफ देम और गाय क्राइंग इज टू मच. कैन आई से अब आपने अपना पॉइंट बोल दिया. फर्स्टली जो भी हमारे बीच में चीजें हुई वो एक्चुअली में जेन्युइन थी. मैं रोया बिकॉज मेरे को फर्क पड़ा था उस टाइम पे. एंड एज यू सेड सम गाइस लड़के रोते नहीं है बट आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. इफ यू वर सो अटैच्ड टू मी अगर इतना मेरे लिए रोने आ रहा है एंड ऑल दैट तो ये बात तो मतलब मुझे पता ही होनी चाहिए थी. वन मिनट प्री. दैट डे व्हेन शी केम ओरेकल पे आके जो उन्होंने बोला था श्रेय के बारे में तभी भी आपने श्रेय को बोला नहीं था रूम में ना. इधर आके बोले आप तो आज ऐसे ही श्रेय ने इधर आके बोले आपको रूम में नहीं बताया सेम थिंग. एंड भव्या
It's not about flipping on or something like that. जो भी आपसे भी बात में नाच की वो सब सच थी. I have not lied on this platform, on this show at all from the beginning. Ask anyone. यार देखो, connection तो होता रहता है, लेकिन आदमी खुद भी सोचता है ना कि अच्छा यार अगर इन लोगों ने कुछ देखा होगा कि हर लड़की का एक आइडल मैच, आई थिंक मेरा आइडल मैच प्रियांका हो सकती है. दैट्स इट. दैट्स द थॉट बिहाइंड दिस एक्सरसाइज. चलो पीयूष बता दो. आना कैसा लग रहा है आपको? I regret that I wasn't being honest with this. मेरे को लगता था प्रियंवदा उसे बहुत पसंद करती है. Whose fault is that? चाहती थी. जब प्रियांका ने बोला, यू सॉ हाउ हैप्पी एवरीबॉडी वाज. या यू हैव मिस्ड मेकिंग दैट वन पर्सन दैट यू लाइक फील स्पेशल. ओके, आपने किसका नाम लिखा है? संभव. अभी उसको भी अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज यू नो एवरीबॉडी नोज दैट यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट. संभव का नाम आया. संभव आपने किसका नाम लिखा है? सर सौंदर्य. चलो सौंदर्य किसी का दिल ही तोड़ दो. सो इट्स अंकुश. अंकुश? यस, एंड इट्स अ वेरी ऑनेस्ट आंसर. आपने किसका नाम लिखा है? भव्य. But it's like my foot. My foot. She's like my foot. But your cheeks are getting red by the second. Please open your cue card. Say it's Ankush only. सर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो भी मेरी तरह ही हैं, ब्लंट हैं एंड एवरीथिंग, तो सर आई थिंक कि हो सकता है कि मेरा मैच हो सकता है. ओके, उदय किसका नाम लिखा है? विद्या का सर. बट यू लुकिंग अपसेट उदय. मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूं सर इस चीज में. हु इज द अदर कंफ्यूजन? सो बेसिकली क्या होता है कि हम कभी भी किसी डोम से या किसी भी चैलेंज से हम घर जाते, मतलब विला में जाते हैं सर, हम मतलब मुझे ऐसे लगता है कि सर हम बात नहीं कर पाते हैं. हाँ हमेशा ऐसे होता है कि सब ये बोलते हैं कि यार तुम बहुत साथ सही लगते हो, ये है सही है सर, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्या हम रियल में सच्ची में कोई कनेक्शन या बात कर पा रहे हैं. विद्या आपके क्यू कार्ड में किसका नाम है? The celebrity of this dome, Shrey. Why? क्यों? सर क्योंकि जैसे वो है रिलेशनशिप में या अपने कनेक्शन के साथ, दैट इज वेरी क्यूट, और शायद मुझे भी अपने कनेक्शन में ऐसा ही कोई चाहिए. मैंने देखा है श्रेय जीनल के लिए स्टैंड लेते हैं, बट उदय के साइड से कभी उदय स्टैंड नहीं लेता भाई कभी. हाँ मैंने नहीं देखा उदय कभी वहां गया, उदय ने कभी सेव नहीं किया. और जो लड़का मैं सर गिनाने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे को हमेशा बोलती है कि मैं गिनाता हूँ सर. अगर मेरे को गिनाना होता सर, मैं पहले दिन वहां पे जाके बैठ के बोल देता कि रिद्या मैंने तेरे को सेव किया. सर आई ट्राइड माई बेस्ट की रहने. अगर मेरी बात नहीं भी हो रही है सर, मैं रियल लाइफ में अगर मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं थोड़ा
मैं यहाँ पे सिर्फ क्यूट दिखने किसी बंदे के साथ नहीं आई। मैंने नहीं बोला कि हम दोनों साथ में क्यूट लग रहे हैं। अरे यार, मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू रिद्धि। अगर इतनी सारी फीलिंग है तेरे अंदर इसके अगेंस्ट, तो इसका नाम क्यों लिखा तूने? एग्जैक्टली, सच्ची बता रहा हूँ, मैं सर ब्लैंक हो गया था। अगर सोच के लिखते तो किसका नाम लिखते? भव्या का सर। बिकॉज आज सर मैंने अभी बात करनी स्टार्ट करी और मुझे लगता है कि सर मे भी कुछ मैच हो सकता था। एलिस, आई रोट संभव नेम बिकॉज मुझे वो बहुत क्यूट लगता है। लोग का बता दे, सर मैंने जे लिखा है, जीनल। शी इज अ वेरी नाइस पर्सन, आई रिसेंटली स्टार्ट टॉकिंग टू हर एंड मुझे उससे बहुत अच्छी वाइब आती है। एंड सर जीनल ऑल्सो टोल्ड मी वन डे कि भव्या इफ यू नॉट परफॉर्मिंग विद लोका कैन आई परफॉर्म विद हर। ओके श्रेय, कितनी बार नाम आया आपका? 3 बार। वाओ, there's so much love in the air, Shrey, for you. आपको 3 वोट्स मिले, congratulations, you're safe today. Walk there and sit in the safe zone. जब कोई कहीं का राजा होता है, जब उसको कोई चैलेंज करता है ना, दोबारा प्रूफ करके जब वो दोबारा बैठता है, पावर डबल हो जाती है। आज आप एक नहीं 2 स्प्लिट विलन्स को डंप करने वाले हो। 1 boy and 1 girl। I hope you're a man of your words. My sir to you too. आज जब मैं रूम में थी तब भी अंकुश से आप बात कर रहे थे। You didn't know that I was in the room too. And you also said कि Hannah is nowhere the target and everything. I really hope you meant that. Also for Piyush, I know Ashish is a fighter. And he likes competition. Don't. Please don't. Please I want don't. You not to dump Piyush too. Please don't. Piyush, you didn't like that. क्यों? मैं तो जो करना है तो वो कर। Simple. फिर जो आता है मन में तो वो कर। हम लोग अपनी बात नहीं हुई इतनी बहुत स्टार्टिंग से। So Piyush is a very good friend, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। आपकी कॉम्पिटिशन है, आप हमेशा बोलते मुझे कॉम्पिटिशन पसंद है, right? वापस मौका मिला तो हो सकता है चीज़ें डिफरेंट हों। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि आज कॉम्पिटिशन हुआ, मैंने उसको हराया, तो अगली बार चीज़ें अलग हों। तूने मुझे नहीं हराया। ठीक है, अगर अपनी बात करें ना तो 2-1 था। बोलना भाई, बोलना मत। मैथ्स आती है ना, 2-1 क्या होता है समझ ले उसको। 2-1। अल्फेज, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू टेल हिम। ही नोज आई डोंट वांट पीयूष टू गो। मैं टास्क करूं तब भी ऐसा रहूंगा, मैं उस टास्क में उसको मारूं पीटूं जो भी करूं तब भी मैं ही गलत हूं, तो जाने दे यार। Can we have the cue cards, please?
पहले ये बता दो कि आप किस एक लड़की को डंप करना चाहते हो और क्यों? आना जाना लास्ट टाइम भी जब मैंने उनको सेव किया तभी भी उन्होंने मुझे पिच नहीं किया था तो आई जस्ट फील कि विला में वापस जाके आई केम टू यू एंड आई हग्ड यू अंकुश ने बोला आपसे क्योंकि नहीं अंकुश ने मेरे को नहीं बोला एंड आई वाज इवन सेविंग यू क्योंकि अंकुश हमेशा आपके लिए पिच करते थे हमेशा और आज व्हेन ही इज कॉल मी हिज सिस्टर सो आई एम गोना बी अ गुड सिस्टर टू हिम Bhavya, you're really enjoying this. आप काफी खुश लग रही हैं. Yes, sir. Why not? Jumping the ground में अब तक नाम किसने लिखा नहीं है? इन्होंने लिखा है, जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा unfair है. मेरा नाम लिखती हो to eliminate me. अभी तो चुप बैठो निकल. तू हर बार क्यों? चुप बैठ. क्यों फुटेज चाहिए तेरे को? हर बार क्यों फुटेज चाहिए तेरे को? मुझे नहीं मिलेगी. मुझे मिल रही है तुझे नहीं मिलेगी. चुप बैठ. दिल्ली में मिलियो तो दिल्ली में मिलियो. चुप बैठ. चुप बैठ. आई हो दिल्ली तू नोएडा से. चुप बैठ जा एक सेकंड रुक जाओ यार वैसे स्टैंडर्ड तो है नहीं तेरा कपड़े उठा के फेंक सकते हैं बॉडी के लिए बोल सकते हैं तेरा स्टैंडर्ड क्या है तू एक लड़के के साथ रहती है कौन से तू यहां पे कितने चेंज करेगी जिसको जो मैं लाइक करती हूं तो उसको लेके चले जाती है हां मेरे कितने चेंज हुए पहले इसने के ले गई मेरे से ले गई तू यही कर रही है क्या चल रही है तू कि सारे तेरे मेरे पास आ जाते हैं बहुत खुश हूं चुपचाप निकल good for you yeah we all know that you are aur tu kya hai tu chup baith mera muh tera khulta hai itna bada muh hai tera khulta hi hai yeah yeah na that's what you say to your name it is my name oh chatta cool ban gayi na ban gayi I'm the coolest yeah good for you coolest isliye kal kisi ne tere ko choose nahi kiya tha किसके लिए बेवॉच के लिए एटलीस्ट आई वाज लॉयल टू लोका यू अपना दिमाग खोल बाकी चीज दिमाग good, खोल good, good, good. और चीजें मत दिमाग good. लगा गुड भव्या गुड मिल गई तेरे को फुटेज बस अब शट अप तू अपने साथ ना पीयूष को भी ले गई तू अपने साथ ना पीयूष को भी ले गई आज ही प्री के साथ होता नहीं जाता याद रखियो दिमाग तू बेवकूफ है डम है तू शट अप तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्वेश्चन कर सकते है ना कि आना के साथ मत घूम आना के साथ मत घूम तो तेरी इनसिक्योरिटीज मेरे को पता है यहां पे आके रोज बोले कि तू मत बता तू जो भव्या मेरे को है यार डॉक्टर है शट अप भव्या के बीच में है हमारी प्रॉब्लम हम डील कर लेते हैं तेरी तरह नहीं है बार 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 के बोलते हैं लोगों को कि यार हमारी प्रॉब्लम चल रही है दैट्स व्हाई यू आर नॉट इन अ फ्रेंड सर्कल नाउ आज सब एक रूम में थे और सबके सामने यही तुझे लेके डूब रही थी यही तुझे लेके मुझे बोल रही थी ना अभी तू निकली इसी वजह से चिक मत कर तू चिक चिक कर रही है तू स्टार्ट करती है हर बार तू चिक चिक कर रही है मत बोल चुप रह मेरे सामने मत बोल नहीं कुछ चलेगा तेरा चुप बैठ थोड़ी देर यू Very annoying, very very annoying. इसके standards कैसे हैं? क्या standards हैं मेरे? तेरे से मैं बात ही नहीं कर रही। मैंने कोई connection नहीं बनाया। चुप रहे यार, तेरी आवाज बहुत annoying है। चुप रहे। मत बोल ना। चुप रहे। तेरे से मैंने बात करी अभी। मेरे बारे मत बोलना, annoying है तो। चुप रहे। Shut up. Idiot. बेवकूफ। What do I even say? मैं कुछ बोलती हूँ ये उल्टा बोलने लग जाती है। Don't talk about me. Talk about people, other people. Don't you have anyone else to target? मैं ही थी ना तेरी। Target. Yeah. First day से. Yeah. About me and that's what happened to you yeah. now. Agar if you would have not, mere muh pe aake bol di chup. Poja chup. Ab aino kaad pe. All right. Kis ladke ka naam likha aapne? It's Piyush. Expected tha Piyush. हाँ सर वो तो हमेशा होता है मुझे वहां से मेरा फिक्स था समवेयर एक्सपेक्टेड था कि आज मैं और पीयूष ही घर जाएंगे जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो पीयूष सर यही बोलूंगा कि अल्फेज भाई स्ट्रांग रहियो
तो वो जीत सकता है ऐसा मुझे तो लगता है। See you guys. All right, guys, I think the Oracle wants to say something. आप दोनों को चोजन वंस ने डंप किया है, लेकिन जो आप दोनों के चॉइस है, अगर वो आपके आइडियल मैच है तो आप सेफ हो जाओगे, नहीं तो आप दोनों को स्प्लिट्स विला छोड़कर जाना होगा। अगर आपने आज अपनी चॉइस पे उस इंसान का नाम लिखा है जिसके साथ आप एक्चुअली आइडल मैच हैं, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। बट इफ यू आर नॉट एन आइडल मैच विद दैट पर्सन, देन यू विल हैव टू गो। पीयूष, आपने किसका नाम लिखा था? आना। आना, आपने किसका? संभव। Hannah and Sambhav, can you please take the walk to the Oracle? अगर मैं और संभव आइडल मैच बन भी जाते तो पीयूष घर जाने वाला था, और आई थिंक पीयूष के घर जाने से भी मैं इक्वली अपसेट होती जितना मैं अपने घर जाने से होती। ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार आप दोनों एक आइडियल मैच नहीं हो। यू आर सो हैप्पी, व्हाई आर यू हैप्पी? बोथ ऑफ देम they don't want to be each other's idol match. All right, Sambhav. आप और संभव एक आइडल मैच नहीं है, तो अगर वो और आप आइडल मैच बन गए तो आप बच जाएंगे, और अगर नहीं बने then there's nothing that's going to save you guys. Hannah and Piyush, please come take the walk to the Oracle. And Pucho, kya hum ek ideal match hai? Mere mind mein itne thoughts the ki agar hum na bane to kya hoga? और हमने फिंगर्स क्रॉस कर रखी थी, एक दूसरे का हाथ इतना टाइटली पकड़ रखा था, क्योंकि हम दोनों बहुत चाहते थे कि हम एक आइडल मैच बन जाए। ओरेकल, क्या हम एक आइडल मैच हैं? ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार आप दोनों एक आइडियल मैच हो।
You're not Jana. No. You're Jana and sit there, na. कैसा लग रहा है अभी वहां पर बैठकर? बहुत अच्छा सर। कितने लोग खुश है, कितने लोग खुश नहीं है? भव्या सर बहुत खुश है, राइट? सर पीयूष ने बोला मैं खुश नहीं हूँ, एंड आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन पढ़ लिया उन्होंने मेरे, बट मैं पीयूष के लिए आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आहना आई डोंट थिंक शी इज डिजर्विंग इनफ टू सिट देयर। इन्होंने आज तक एक टास्क परफॉर्म नहीं किया होगा। तुमको एक ही चीज आती है यार, आई एम वेरी हैप्पी, मूड मत खराब करो। जैसे यहां पे बैठ जाती हो तुम वही कर रही हो। एंड सर वन मोर थिंग, आई थिंक आइडियल मैचेस हैव नो कंपटीशन बिकॉज़ इट चोजन वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट। बोलती रहे, मैं यहां हूं अगेंस्ट यू, मैं आई डोंट वांट टू टॉक। यही वो लोग हैं जिसको आप डंप करना चाहते हैं, अब वो सेफ हो गए। अगली बार भी आप इनको डंप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आइडल मैच है। आशीष भाटिया के तोते उड़ गए थे, अब जब भी मुझे मौका मिलेगा जैसे कंपीट करने का, तो अब फाइनली मैन टू मैन हम फाइट करेंगे। आज ऑरकल की वजह से बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। टास्क ऐसा आएगा जिसमें आमने सामने खड़े होंगे, नॉकआउट करना होगा, इसको चुटकी में उड़ा दूंगा। आज के डोम जो कि इतना ट्विस्ट भरा था, पीयूष के सपोर्टर्स बहुत खुश थे कि पीयूष बच गया है, बट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आया कि इसको आज तो ओरेकल ने बचा दिया, लेकिन इसके बाद भी जितने मौके आएंगे मैं इसको गेम से फटाफट निकालूंगा ताकि मैं बहुत प्यार से सुकून से खेलूं। दो आइडियल मैचेस हैं हम लोग। बेस्ट पार्ट क्या था कि हम साथ जा रहे थे। बेस्ट पंच था पीयूष, तो जिसके साथ भी आता है वो मत तू अनलकी है। पर मैं बन जाना आइडियल मैच नहीं। वी हग, जो कि एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था मेरे लिए, और मेरा मन था नहीं कि मैं उसे छोड़ूं उस टाइम पे। इतने टाइम से, सिंस डे वन इनफैक्ट, जब से हमने किसी को, कोई लड़के को देखा भी पता है, तब से यू आर विथ मी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? आई डू। हाँ, तो इतने टाइम में तुझे एक बार तो दिमाग में आया रहेगा ना पीएम वाला के बारे में, इसलिए आज लिखा ना। अरे बस एक मोमेंट के लिए था यार वो। आया बट आया था ना। इट वाज जस्ट फॉर अ सेकंड बट इट वाजंट। अरे तो आया था तो उसकी वजह से आज जो क्वेश्चन पूछा, तो यू आर बीइंग ऑनेस्ट ना, क्योंकि यू कुडंट फॉरगेट दैट थिंग। That is why you wrote today. अगर तुझे इतना ही रहता था ना, तो तू मेरा ही नाम लिखता था कि ठीक है जो था वो तो उस मोमेंट में आया था ना, तो आज मैं वो पास्ट का चीज आज क्यों लाऊं? पर तेरे दिल में अभी भी था, इसलिए you are being honest. Am I wrong? उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसने, अगर वो ऑनेस्ट था, अगर उसने सच बोला है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रियंवदा के लिए था ना, तो मैं कैसे उसके साथ फिर भी रहूं ये जानने के बाद कि उसको भी प्रियंवदा पसंद है और प्रियंवदा को भी वो ही पसंद है। मुझे नहीं पता था कि वो तेरा नाम लिखेगी यार। She was looking at me in my eyes and I was like, why is she looking at me? I felt so bad at that point of time that I couldn't even express my thought. I was nervous and like I was like shivering and all यार, but मैं नहीं दिखा पाई यार। And you, I feel so. जो फर्स्ट डे से मेरे साथ था वो एक झटके में लाइक यू नो ही जस्ट वेंट समवेयर। मुझे मतलब इट वाज ऑकवर्ड फॉर मी बिकॉज जो इंसान मेरे लिए हमेशा रहता था वो अभी प्रियंवदा के लिए रहने लग गया था। प्री 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 क्या हो गया, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? Why? Is it wrong to write your true feelings? No, because like Tina, me and Tia, she knows that we're coming here. I never wanted to tell her, yeah. Like, I never wanted
हम सबको लगा, चार बंदों को लगा, आंसर करे मुझे भी लगा. Even Shreya's feel like that now. But even Shreya wrote your name. I don't know. Obviously, वो truth दिख गया ना प्रियम. तेरे को truth दिख गया ना. Obviously, हम. ऐसी बात है जो मैं शायद कभी भी नहीं लिखती और इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करती. पर वो रात ऐसी थी that I just couldn't control myself. वो मुझसे बात नहीं करेगी. कोई बात नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. वो समझेगी. रो मेरी. उसकी फीलिंग से उसने बोला. तूने कुछ गलत नहीं किया उसमें. मैंने कर तो लिया वो जो मुझे नहीं करना चाहिए था शायद. पर करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और मैं बहुत खुश थी. बहुत रिलीव फील हो रहा था. बहुत अच्छा लग रहा था. So I'm excited कि मेरा और प्रियम उदा का कनेक्शन बना है. और एक्चुअली ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन कुड टर्न इनटू समथिंग मच मोर. तो मैं एक्साइटेड हूँ कि ये कनेक्शन कहाँ आगे जाएगा लिखने के लिए. आइडल मैच. नया दिन था विला में और मैं आइडल मैच बन चुकी थी. तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था. अब लग रहा था कि मेरी पूरी जर्नी अच्छी निकलने वाली है. Good morning, Splitsvillians. Good morning. It's great to find the third ideal match of Splitsvilla. पर अभी तक बहुत से Splitsvillians ने अपना true connection नहीं ढूंढ पाए हैं. This journey of finding love is beautiful, but difficult. We hope all the singles will soon find their connection. Meanwhile, हम लोगों ने विला की single लड़कियों के लिए breakfast arrange किया है by the pool. And I'm like, yes. Because villa ki sari single ladkiyan jinko attention utna nahi mil raha hai, I think they deserve attention. Ne time baad villa ki single ladies ko ek special treatment milne wala tha, which was a must at that situation of time. To hum ladke thode se curious the ki because ladkiyon ko hi kyun ye scroll aaya. जैसे ही हम पूल साइड पे पहुंचे, हमने देखा कि बहुत अच्छा टेबल पे डेकोरेशन है और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट सजा हुआ है. हम सारी लड़कियां बहुत एक्साइटेड थी. आई एम भाविन भानुशाली. माय एज इज 20 एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम एन एक्टर. पृथ्वीला में मैं दोस्ती करने नहीं आया हूँ. मैं आया हूँ खेलने और एक कनेक्शन ढूंढने. Hi, beautiful ladies. Hi. हमारे साइड से एक बहुत क्यूट से लड़के आते हैं वॉक करते हुए. And I'm like, oh, hey, cutie. Hi. प्रियम वदा. एलिस. बहुत अच्छी वाइब के साथ उन्होंने एंटर किया. तो ब्रेकफास्ट चल रहा है. Yes. अभी मैं आया हूँ तो थोड़ा फायदा उठा लो मेरा. मैं आपको खिला देता हूँ. आप फ्रूट्स में इंटरेस्टेड हो? Yes. मैं भी आप में इंटरेस्टेड हूँ. वैसे आपने अपना नाम भव्य बताया. भाविन भव्य भव स्क्वायर. उसने हमें बहुत स्पेशल ट्रीट किया. मुझे काफी क्यूट लगा, अच्छा लगा. बटर है वहाँ पे. मुझे सब चीजें बहुत पसंद है यार. थैंक्स. मैं भी पहनूंगा कभी. देखो छह अप्सरा आई थी लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ एक पर गया. वो थी रिद्या. उसकी जो पर्सनालिटी थी वो थोड़ी सी क्वाइट थी. उसकी आंखें जिस तरह से मुझे देख रही थी. मैं इंटरेक्शन तो सबसे कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान उससे हट ही नहीं रहा था यार. या मैंने रिद्या को कभी तक स्माइल करते हुए नहीं देखा. मैं सिर्फ सुन के आई वॉज एंजॉइंग द मोमेंट. आई वॉज जस्ट हैप्पी अबाउट द होल सिचुएशन वी वर इन.
जितनी लड़कियां सभी सिंगल हैं, सब सभी कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। अरे क्या बात, लुक हूज टॉकिंग। भाई मैं तो ढूंढ रही हूं डेवन से। बोल ही नहीं, प्रॉमिस करके आई है। क्या नाम है उनका? संभव। संभव प्रॉमिस तो हम सब करके आए। मैंने अंकुश को प्रॉमिस नहीं किया अब तक। नाम तो तुमने एक दूसरे का लिखा था कल। इनके प्रॉमिस में इतनी मुझे पावर दिख नहीं रही थी कि आपने कुछ इतना भी बहुत भरोसा दिख रहे थे, क्योंकि आपके आंखों में दिख रहा था कि आप मेरे साथ आना चाहते हो। तो ये प्रॉमिस की झूठी बातें मेरे सामने नहीं करना। मेरा तो कनेक्शन है। भाविन का आना नहीं आना मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं श्री के साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इनमें से कोई मेरा आइडल मैच है। यार मेरे को तो अब तक एक कनेक्शन आप में दिख रहा है यार। ये जो इसकी नोज रिंग है ना, वो बिद्दू तब से वही देख रहा है। आई थिंक दे लुक क्यूट टुगेदर। सही, आप मेरे हृदय में बस गए। हृदय मेरा ध्यान सिर्फ मेरे राइट में था, रिद्या पर। उससे ध्यान नहीं जा रहा था मेरा, उस बंदी में कुछ तो ऐसी बात थी। अरे वैसे यार अभी बातें बहुत हो गई है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार भाई सबसे मिलने के लिए। विला देखने के लिए बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो एक काम करें ना, ग्रैंड एंट्री लेंगे विला के अंदर। एंड फिर ना सारे बीच में खड़े हो जाना, एंड ऑल द गर्ल्स विल होल्ड यू फ्रॉम एवरीवेयर, लाइक फ्रॉम एवरीवेयर। और हमने डिसाइड किया है कि अब हम स्प्लिट्सविला में एंटर करेंगे ऐसे, एक तरफ तीन लड़कियां, एक तरफ तीन लड़कियां, माचो बीच में। जो लड़कियां झुंड बना के खाली हाथ गई थी ब्रेकफास्ट के लिए, वो लड़कियां किसी के हाथ में आ रही हैं और बीच में एक लड़का। देखा तो वाइल्ड कार्ड में एक लड़का सामने चलते आ रहा, तुमसे वापस में बात कर रही है भाई, क्या कंपटीशन आ रहा है। दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, पर वो जिस एटीट्यूड से आया सीधा ऐसा लगा कि वो कुछ हासिल करना चाहता है, और वो मेरे कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। जब भावन को पहली बार देखा लगा कि ही वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। Fully Faltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel, Fully Faltu.